हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। तुम्हारा भाई भी ओके ओके है, बिकॉज तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, वो आप मेरी आवाज़ से पता कर सकते हैं। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो हम बात करने वाले हैं क्यूजे SRK 400 के बारे में। SRK मतलब शाहरुख खान की बात नहीं कर रहा हूँ, एक नया ब्रांड इंडिया में लॉन्च हुआ है जिसकी SRK 400 पहली बाइक मार्केट में आ गई है, उसके बारे में बात करेंगे। सो अगर कुछ इस वीडियो में आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, बाइक नेकेड सेगमेंट में आती है, जैसे कि अपना ड्यूक 390 हो गया, ड्यूक 200 हो गया, या फिर हमारा बोला जाए डोमिनर हो गया, तो ये नेकेड सेगमेंट में बाइक आएगी। बाइक का डिज़ाइन काफ़ी अग्रेसिव है, फ्रंट से बाइक सुपर बाइक वाला फील देती है, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बाइक लगेगी। एक बार के लिए आप ज़रूर इस बाइक को देखेंगे जब भी ये बाइक आपके सामने से निकलेगी। न्यू कंपनी है तो लेट्स सी क्या कमाल कर पाएगी, इंडियन मार्केट में चलेगी या नहीं, वो एक बड़ा क्वेश्चन है जो एक टाइम के बाद ही पता चलेगा। बट उनका जो पहला अप्रोच है वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी धमाकेदार बाइक लेके आए हैं। पहले इंजन के बारे में हम बात कर लेते हैं, तो आपको मिलने वाला है 400 cc का ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन, जिसकी पावर रहने वाली है 41 PS एंड टॉर्क रहने वाला है 37 nm। एज यूजल 6-speed गेयरबॉक्स के साथ ये बाइक आपको मिलने वाली है। इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छा कंपटीशन देगी ये वाली बाइक। सो लुक्स के मामले में बाइक एकदम शानदार है, आप उसमें तो इसको ऐसा नहीं बोल सकते यार बाइक तो अच्छी नहीं दिख रही है, इससे अच्छा तो ड्यूक का बाइक ले लें या डोमिनार ले लें या कोई और ले लें। तो लुक्स में तो इसको मैं 100 out of 100 देना चाहूँगा, बट एक बड़ा क्वेश्चन है जो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, जिस वजह से शायद एक कन्फ्यूज़न आएगा कि ये बाइक ली जाए या ना ली जाए। बाइक में आपको LED DRLs, अपसाइड डाउन फॉक्स, ये सब कुछ मिल जाएगा। कंसोल की बात करें तो फुल्ली डिजिटल कंसोल है। सारे फीचर्स इस बाइक में मिलने वाले जो अभी रिसेंट में 350-400 cc की बाइक में आपको मिल रहे हैं। फ्यूल टैंक की बात करें तो आपको मिलेगा 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक। एग्जॉस्ट नोट काफ़ी अच्छा रहने वाला है इस बाइक का बिकॉज ऑफ ट्विन सिलेंडर। बाइक राइडर के लिए काफ़ी अच्छी है बट नॉट फॉर द प्लेन। अगर आप चाह रहे हैं कि दो लोगों के साथ इस पर ट्रेवल कर तो वो थोड़ा मुश्किल होने वाला है, लेकिन अगर आप अकेले राइड करेंगे तो आप काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाले हैं इस बाइक पर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बाइक के वेट के बारे में, तो इस बाइक का जो वेट है वो है 186 kg, ग्राउंड क्लियरेंस है 150 mm। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, बाइक का प्राइसिंग क्या है, इंडिया में बाइक किस प्राइस पे ये लॉन्च हो गई है? तो भैया प्राइसिंग की बात करें तो इसका एक्स शोरूम प्राइस है 3.6 lakh एंड ऑन रोड ही आपको 4 lakh या 4 lakh से ऊपर पड़ने वाली है। कंपटीशन में इस बाइक के जो साथ में है वो है ड्यूक 390, कावासाकी का हमारा Z400। तो ये कुछ बाइक है जो इसका कंपटीशन रहने वाली है, बट क्वेश्चन यही है कि इस बाइक का जो प्राइसिंग है वो 4 lakh से ऊपर जा रहा है एंड KTM ड्यूक 390 वो आ जाती है अराउंड 3.5 lakh के आसपास, तो थोड़ा सा प्राइस में हेर फेर है प्लस नई कंपनी है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इसके थोड़ा सा नेगेटिव में जाती हैं। बट लेट्स सी इंडियन मार्केट में आई होप बढ़िया करे। आप लोग बताओ आपको ये बाइक कैसी लगी, इसका डिज़ाइन कैसा लगा या क्या अच्छा नहीं लगा, सब कुछ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप आप लोग को ये नया अपडेट पसंद आया होगा। अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अगर चाहे तो अपने दोस्त लोगों में इसको शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, राइड हार्ड, बाय बाय।